हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनुज पोलन लाइफ। तो आज का वेदर काफ़ी अच्छा है बाहर, तो मैं थोड़ा फ्रेश होने आया था बाहर। आज हम बात करेंगे पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब के बारे में, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन कौन से वेबसाइट्स या कौन कौन से वे से आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और क्या क्या टाइप के जॉब्स आपको एज अ स्टूडेंट यहाँ पर मिल सकती है, और कितनी अर्निंग होती है, और क्या आप सेविंग्स कर सकते हो, मतलब महीने का कितना पूरा अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में हम ये सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो क्या करना, आपको पूरा फुल वीडियो देखना है और स्किप नहीं करना है। तो चीज़ों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका रिज्यूम, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। पहले बात करते हैं डिलीवरी जॉब्स के बारे में, ये जो कि बहुत फेमस है इधर, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं अमंग सारे यही डिलीवरी जॉब्स करते हैं यहाँ पर। तो आप फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी या कुरियर सर्विस में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं जिसमें कि आप डिलीवरी का जॉब फाइंड कर सकते हो, जैसे ग्लोबो हो गया, उबर हो गया, वोल्ट हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा हो गया, आप डिलीवरी की जॉब फाइंड कर सकते हो। तो रिमेंबर, आपका रिज्यूम और ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ होना चाहिए, तो आप इजीली ये जॉब से आप पोलैंड में कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो आप इनकेशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, जॉब पोर्टल जैसे इंडीड पीएल, SUAPL, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी पोलैंड फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे कि आपको जॉब ऑफर की जाती है, तो आप वहाँ से भी जॉब ढूंढ सकते हो। यार लोकल कम्युनिटी भी होती है जहाँ पे कि जॉब्स आपको फेसबुक पे मिल जाती है। ठीक है, तो आप अकाउंट बना के फेसबुक से भी ज्वाइन करके अपने लिए जॉब ईजिली फाइंड कर, प्लेटफॉर्म में आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, करते हैं रिज्यूम की। तो पोलैंड में जॉब अप्लाई करने के लिए रिज्यूम होना बहुत ज़रूरी है। रिज्यूम में आप अपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। रिज्यूम इंग्लिश में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप पोलिश जानते हो, अच्छा तरीके से पोलिश आती है, तो आप उसको रिज्यूम को पोलिश में भी बना सकते हो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स या ड्राइविंग लाइसेंस को मैंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स की। अगर आप डिलीवरी जॉब्स कर रहे हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मत समझ ही सकते हो, इस मान्यता बहुत होगी। जैसे कि आप इंडिया से आ रहे हो और आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर आप यहाँ उससे काम चला सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत हो सकती है। और अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पोलिश में कन्वर्ट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देना पड़ेगा, एक रिटन टेस्ट और एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास 125 दिन से ज़्यादा रेजिडेंस प्रूफ है, तो आप इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अर्निंग की बात करें तो पोलैंड में आप इजीली 2,000 से 3,000 रुपये तक कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर हावर्स कि आप कितना घंटे काम करते हो एक दिन में। तो ऐसा नहीं कि आप 2-3 हज़ार तक ही कमा सकते हो, ऐसा भी है कि आप 4-5-6-7-8 आप कमा सकते हो, बट डिपेंडिंग आप कितने हावर्स कर सकते हो एक दिन में, या कितने ऑर्डर्स ले सकते हो। जैसे कि आजकल 2 मंथ्स की हॉलीडेज पर, ये वीकेंड डेज है, और आजकल क्या क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं यूक्रेन के, यहाँ के लोकल स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट, या कहीं भी किसी भी देश के स्टूडेंट्स, तो सभी अब आजकल डिलीवरी कर रहे हैं, तो आपको डिलीवरी मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसमें भी अर्निंग का एक अलग ही लफड़ा। जॉब के साथ अपनी स्टडीज़ को भी फोकस करना, अपनी स्टडीज़ पर भी बैलेंस करना, बैलेंस में मतलब आपका जॉब से लो तो उतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टडी होना चाहिए, क्योंकि आप अपने कंट्री छोड़ कर आए हो स्टडी करने के लिए। ये एक जॉब बस आपकी अर्निंग के लिए, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, तो आप अपना स्टडी पे भी ध्यान देना। तो बात करते हैं अभी लोकल रेस्टोरेंट के बारे में, अगर आपको यहाँ पे काम करना है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, स्टारबक्स हो गया, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, या इंडियन रेस्टोरेंट हो गया, तो आपको वो सैलरी देंगे एज आई नो 20 से 25 के राउंड, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली। जो ऑफिशियली गवर्नमेंट सैलरी है 1 आवर की, वो 28 हो गई। एज आई नो कि आपको अगर KFC, मैकडोनल्ड्स या किसी भी रेस्टोरेंट में काम करना है, तो वो आपको 20 से 25 तक की देंगे सैलरी, एज आई एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं भी फ्रेंचाइज में काम करता था, पहले 18 दिए, फिर 19 दिए, आप जाके 20 देते थे, तो फिलहाल मैंने वो छोड़ दिए, अभी नए फ्रेंचाइज में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को 20 ही मिलती है, बट काम मेरे को वहाँ पे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं मतलब पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। ठीक, तो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं देने वाला 25 से ज़्यादा मैक्सिमल, और अगर कोई देगा भी तो वो जैसे कपड़ों की शॉप हो गई, मॉल, मार्केटिंग मॉल में हो गया, मतलब रेस्टोरेंट के अलावा जो भी जॉब्स मिलेगी आपको वहाँ पे 27 जलोटी दे सकते हैं। तो अगर आपको पोलिश आती है तो आपको ईजी हो जाएगा जॉब पाने, यही लफड़ा होता है पोलैंड में जॉब पाने के लिए, अगर आपको पोलिश आती है तो आपको ईजिली जॉब मिल जाती है, आपको ईजिली वो सिलेक्ट कर देते हैं, बट अगर आपको
पुलिस नहीं आती तो आपका समझ रहे हो। आजकल 2024 में गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि 27 ड्यूटी, तो उसको 20 उनको 20 से ऊपर देना ही पड़ता है। टेस्ट मांगते हैं, कैरियर टेस्ट मांगते हैं अगर आपको रेस्टोरेंट में काम करना है तो, उसका भी अगर आपको पेमेंट देनी है 150 या ड्यूटी के करीबन तो आपको कंपनी आपको पे करती है। ठीक है, आपको जस्ट जाके वहाँ के पे करना है, वहाँ से फैक्टूरा लेना है वो अपने ओनर को दे देना, तो वहीं या फ्रेंचाइज जिसमें भी काम करते हो तो उनको दे देना या मैनेजर को दे सकते हो, तो वो आपको जितना आपने वहाँ पे पेमेंट किया वो आपको पूरा पेमेंट वापस दे देंगे। ठीक है, उस टेस्ट पे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे काम मिलते हैं। ठीक है, इतना ही काम था आपको, कोई भी जॉब करनी तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है तो आप किसी भी जॉब में किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, रेस्टोरेंट हो गया या डिलीवरी हो गया, किसी भी चीज़ में आप काम कर सकते हो। शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब सभी यहाँ पे सिमिलर है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, सभी यहाँ पे काम करते हैं छोटे से बड़े लेकर। बट जैसे इंडिया में होता है ना कि वो उसका वहाँ पे काम कर रहा है, वो वहाँ पे काम कर रहा है, तो जज नहीं करना किसी को, तो यही पोलैंड में खासियत है, तो किसी को जज नहीं करते किसी भी काम को लेके। तो पोलैंड में यही फैसिलिटीज है अगर आपको जॉब करनी है एज ए स्टूडेंट। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा गाइड, पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी आपको पोलैंड में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो, उनको भी पता चलना है कि पोलैंड में कैसी कैसी जॉब्स होती है। तो हाँ, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आपको पता है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो वहाँ पे हम सब बातचीत कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे भी बात कर सकते हो। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे भी बात कर सकता हूँ। सन आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, गुड बाय।